हार मत मान जाना हिंदुओं, अगर तुम हार मान जाओगे तो 100 करोड़ हिंदू भारत छोड़कर भग जाएंगे। हमें भारत को बांग्लादेश नहीं बनने देना है, बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं होने देना है। इसलिए हर हाल में ओरछा तक पहुंचकर कड़ी मेहनत करके हिंदू एकता का भगवा ध्वज लहराना है। हम मानते हैं तुम पुष्प पारे हो, चेहरों में भगोले पड़ गए, समय पे पानी भी मिल रहा, भोजन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होगी, चलने में तुम्हें धक्का मुक्की लग रही, लेकिन हिंदुओं अगर हम लोग अभी मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। उन्होंने बांग्लादेश से हिंदुओं को भगा दिया, पाकिस्तान में 2% हिंदू बचे हैं। भैया ना तो हमें चुनाव लड़ना है, ना हमें किसी पार्टी को वोट दिलवाना है, हमें तो केवल हिंदुओं को बचाना है। इसीलिए मेहनत कर रहे हैं, इसलिए दिन रात एक किए हैं, हमने तो प्रण कर लिया है, तुम चूक मत जाना, तुम भाग मत जाना, तुम हार मत जाना, तुम थक मत जाना। अगर तुम आज थक जाओगे तो 100 करोड़ हिंदू इस देश के पीछे हो जाएंगे। हमारा सपना तो तब साकार होगा। अभी एक पत्रकार मिले, बोले आपके यहाँ पर पदयात्रा में भीड़ बढ़ती जा रही। हमने कहा ठटरी के बड़े उनकी जनसंख्या बढ़ रही, वो नहीं कह रहा था। पदयात्रा में तो अभी 1 ही लाख है, जिस दिन 1 करोड़ हिंदू सड़कों पर उतरने लगेगा उसी दिन धर्म विरोधी अपनी टिकट कटवाकर पाकिस्तान चले जाएंगे। भैया नौटंकी ना कर, ना आजा खतरी के बड़े ना आ, ये सारे गिर गए भाई, ब्रेकिंग न्यूज बनवा है का, आगे के लगे न कटा। तो हिंदुओं थक तो नहीं जाओगे, दूर दूर से आए, मंडल के मंडल आए, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के यहां से आए हैं, बिहार से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, बैठ जाओ, जम्मू से आए, यूपी से आए, बंगाल से आए, झारखंड से आए, भैया बुंदेलखंड वाले तो गजबई किए हुए हैं। आज महाराजा छत्रसाल के यहां माला गली तिलक भाव ये पदयात्रा अभी चली आ रही, कुछ भंडारा पा रहे हैं, यहाँ के तो कुछ लड़क है, एकदम पेट दंग सेठ जैसो करके सो गए। हमारे तो पेट में चूहा की जगह हाथी लोट रहे, लेकिन भैया हमने तो कमर कसली है, तुमसे पूछ रहे तुमने कसली। अभी तो तीसरा दिन है, 5 दिन बाकी है, लेकिन धन्य है आप लोगों की ऊर्जा। क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या माता जी, क्या बहन जी, सब मुस्कुराते हुए झंडा लहराते हुए चले जा रहे हैं। इसलिए भारत को बचाना है तो हम हिंदुओं को सड़कों पर आना है। उन्होंने कहा कि हम 15 मिनट में हिंदुओं को हिला देंगे। हमने कहा रुक जाओ, 5 मिनट में हम तुम्हें हिला देंगे, लेकिन भैया हमारा सपना सिर्फ इतना है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो सपना था हिंदवी स्वराज्य का, हमारे महाराजा छत्रसाल छतरपुर जिले और मऊसानिया के गौरव, यहाँ की पूरी मंडली है, महंत राजू दास जी हैं, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने गांव को बचाने के लिए, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनने से अगर रोकना है
तो हम हिंदुओं को अब घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और इस पदयात्रा में देखो चली आ रही, ऐसा लग रहा है जैसे छतरपुर में भी अभी लोग हों। कुछ लोग तो इतने गजब के हैं कि गुरु से फास्ट है, कुछ लोग तो नौगांव ही पहुंच गए हैं। इन लोगों के गजब मजे हैं, पहले ही सब स्वागत मशक देते हैं, हमें खाली पन्नी मिलती है, सब हमारे चेला आगे हो जाते, कहीं समोसा खा लेते, कहीं पाले जी खा लेते, कहीं पूरी जलेबी खा लेते। हम जब जाते गाय भैया कछु बचो, वो कहते गुरु जी तुम्हारे चेला सब ले। लेकिन ठीक है, हम खुश हैं, जा सबकी बालाजी अर्जी स्वीकार कर दे ले। जाओ तुम सब पर बालाजी की कृपा हो जावे, जा तुम्हारी अलाय बनाए भग जावे। जा इस पदयात्रा में जो जो भी सम्मिलित 9 दिन तक रहे उनके घर में कोई अनहोनी ना हो गए। जा पूरा भारत हिंदूमय हो जावे। तो कौन कौन 9 दिन के लिए कमर कस के चल रहा, जरा हाथ उठा। पक्का छोड़ के तो नहीं हमें आ जाओगे, हमारा साथ तो नहीं छोड़ दोगे, थक तो नहीं जाओगे, भाग तो नहीं जाओगे। जो रह गए हैं 29 तारीख को उनको भी बुलाना है, और भारत को भक्त पात की करो विदाई। हिंदू भाई भाई अब दोनों एक हाथ आगे करके शपथ लो, हम आज बागेश्वर बालाजी को साक्षी मानकर मऊ सानिया में शपथ लेते हैं, आज से हम सब हिंदू एक रहेंगे, जातियों में नहीं बटेंगे, भेदभाव में नहीं पड़ेंगे, एवं हिंदू एकता पर कार्य करेंगे। आज से हम शपथ लेते हैं हर शनिवार मंगलवार मंदिरों में जाना प्रारंभ करेंगे। हम शपथ लेते हैं अपने भाई बहन बच्चों को सनातन की शिक्षा देंगे, एवं सबको सनातन से जुड़े रहेंगे। हम शपथ लेते हैं गाय गंगा गौरी गीता गायत्री गुरु इनका सम्मान करेंगे, हम सब हिंदू एक रहेंगे। हम शपथ लेते हैं कोई भी हिंदुत्व के ऊपर उंगली उठाएगा हम छोड़ेंगे नहीं। हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जात पात की करो विदाई। और छत्तीसगढ़ वाले भोजन कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, सब लोग अच्छे से हो, किसी को दिक्कत जाए। डॉक्टरों की टीम है, भैया तुम लोग बैठ जाओ, थोड़ा बैठ जाओ, दिखाई नहीं दे रहा, बैठ जाओ। कैमरा वाले तुम भी बैठ जाओ, माले कर वो चेला तय भी बैठ जाओ, तय तय खटली के भाई रोटरी के आजीब आ जाते क्या, बगल में थे मूड़े मूड़ पे जाए खड़ो हो। लेकिन सामने सात बच्चा है महाया माए नहीं तो आगे के लगे अभी के लड़िया बच्चे जात पात की करो विदाई। जो बाहर सड़कों पे सीधे जा रहे आ जाओ, अंदर आ जाओ, प्रसाद पा जाओ, भंडारो है। दाहिने हाथ पे भंडारो है, वहां प्रसाद पा लो, और प्रसाद पा के फिर तैयार हो जाओ, थोड़ा सो नहीं हो, आराम कर लो। एक घंटा कितने बज गए, यहां से हर हाल में 3 बजे अपन लोगों को चलना है, ठीक है। लेकिन आगे मैंने कर लियो, हम भंडारा पाए ले रहे,
अपने इष्टमित्र परिवार ने मोर्चा कौन कौन आ रहा हो सौर मंडल पीठ के पूरे संस्थान पर शुक्ला जी हाथ उठाओ पक्का उठाओ वचन दो हाँ पक्का मोर्चा की तैयारी करना है सबको हारा हारा चलो भंडारा पालो हम भी तरफ पा रही है भारी हाथी लोग सीताराम